हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राधा किचन तड़का। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्रेड से मिल्क केक बनाने की रेसिपी। बहुत ही आसान है, हेल्दी है, जल्दी बन जाती है। आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 6 स्लाइस ब्रेड के लिए हैं। अभी इसे तोड़ कर डाल लेते हैं मिक्सी के जार के अंदर। ब्रेड आप वाइट भी ले सकते हैं और आटा ब्रेड भी ले सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं। इसे डालेंगे मिक्सी के जार में और इसका बना लेना है हमें बारीक पाउडर। ये देखिए पीसकर तैयार है ब्रेड और इसका मैंने पाउडर बना लिया है, पीस लिया है इसे अच्छे से, देख सकते हैं आप। अभी चलते हैं गैस की तरफ। गैस के ऊपर रखेंगे एक पैन और इसके अंदर डाल देंगे घी। देसी घी डाला है मैंने 1 चम्मच, 1 टेबल स्पून डाला है मैंने देसी घी। इसे गर्म होने देते हैं। इसके बाद इसके अंदर डाल देंगे जो हमने ब्रेड क्रम्स बनाए थे, ब्रेड को पीसा था, उसे डाल देंगे। इसे हल्की आंच पर अच्छी तरह से भून लेना है। 2 से 3 मिनट के अंदर ही ये भून जाता है। मीडियम फ्लेम रखें, आप ज़्यादा हाई फ्लेम ना करें वरना ये जल सकता है। ये देखिए अच्छी बहुत जल्दी ही ये रोस्ट हो जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। अभी इसे अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए यहाँ मैंने डाल दिया है 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट। ये आपकी चॉइस है, अगर आप डालना चाहते हैं, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, इससे फ्लेवर अच्छा आता है, खाने में ज़्यादा टेस्टी लगता है। और इसे भी 1 मिनट के लिए भून लिया है। इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि डेसिकेटेड कोकोनट बहुत जल्दी ही भून जाता है। यहाँ मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई रख दी है और 1/2 कप डाल दी है चीनी। चीनी को कैरमलाइज करेंगे हम लो फ्लेम पर, बिल्कुल इसे छूना नहीं है अभी। जब ये धीरे धीरे ऐसे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए तब इसको चलाना है, इससे पहले आपको चीनी को चलाना नहीं है। ये देखिए धीरे धीरे कैरमलाइज हो रही है। एक बार चला देंगे फिर इसे छोड़ देंगे दोबारा से अच्छी तरह से मेल्ट होने के लिए। और ये चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, कैरमल बन चुका है। अभी इसके अंदर डालेंगे दूध। 1/2 लीटर दूध लिया है मैंने, दूध मैंने फुल फैट लिया है। आप कोई भी मिठाई बनाएं तो फुल फैट मिल्क लेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए एक बारी जब आप दूध डालेंगे तो कैरमल जम जाएगा, इस तरह से जम जाएगा। बट जैसे ही दूध गर्म होगा ये अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा। देखिए जम चुका है ये, और जैसे जैसे दूध गर्म होगा कैरमल अपने आप ही चीनी मेल्ट हो जाएगी दूध के अंदर। और ये देखिए पूरी तरह मेल्ट हो चुकी है चीनी, कैरमल जो बनाया था वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अगर आपको मीठा बहुत कम चाहिए तो चीनी इनफ है, अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो अभी 4 से 5 टीस्पून चीनी और डाल दी है। ये मीठा आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अभी अच्छी तरह से मिला देंगे, चीनी को अच्छे से घुलने देंगे। इसके बाद जो हमने पाउडर बना कर रखा था उसे डाल देंगे। ये देखिए अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है, दूध में बॉयल आ रहा है। जो हमने डेसिकेटेड कोकोनट और ब्रेड क्रम को भून कर रखा था उसे डाल देंगे। ये डालने के बाद बहुत जल्दी ही दूध को एब्जॉर्ब कर लेता है। 2 से 3 मिनट में ही अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा, डो बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए बहुत गाढ़ा हो गया अभी ये पेस्ट, और अभी ये 2 से 3 मिनट में ही डो फॉर्म में आ जाएगा। बहुत जल्दी ही दूध को एब्जॉर्ब कर लेते हैं क्योंकि इसमें ब्रेड है और डेसिकेटेड कोकोनट है, दोनों ही चीज़ें बहुत जल्दी ही एब्जॉर्ब कर लेती है दूध को। मिठाई को अच्छा सा टेस्ट देने के लिए और अच्छा सा टेक्सचर देने के लिए यहाँ मैंने डाल दिया 1 चम्मच देसी घी। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर 1 चम्मच घी डाल देंगे तो मिठाई में अच्छी सी शाइनिंग आ जाएगी और खाने में लाजवाब टेस्ट आएगा। ये देखिए अच्छी तरह से मिला देंगे ताकि सारी मिठाई में घी का स्वाद आए और अच्छी तरह से भुनकर तैयार हो जाए हमारी मिठाई। देखने में भी बहुत सुंदर लगती है और खाने में तो है ही लाजवाब। आई होप वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी आपको। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दे, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले। मिठाई तैयार है, गैस को ऑफ कर दिया है और यहाँ मैंने लिया है केक टिन। आप घर के किसी भी बर्तन में इसे सेट कर सकते हैं, बहुत ईजीली सेट हो जाती है। मेरे पास केक टिन था तो मैंने वो ले लिया है। नीचे लगा दिया है बटर पेपर ताकि मिठाई निकालने में आसान हो। स्पैचुला से अच्छी तरह से इसे फ्लैट कर देंगे, दबाकर बिल्कुल अच्छे से सेट कर देंगे और आधे घंटे के लिए रख देंगे साइड में ताकि अच्छे से सेट हो जाए। आप 10 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। आधे घंटे के बाद ये देखिए मिठाई अच्छे से सेट हो चुकी है, इसे निकाल लेंगे और बहुत ही आसानी से निकल जाती है। ये देखिए
देखने से ही कितनी सुंदर लग रही है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप कट से ही अनुमान लगा सकते हैं, काफ़ी सॉफ्ट मिठाई बनकर तैयार हुई है, मुंह में जाते ही घुल जाने वाली। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दे, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले ऐसी ही इंटरेस्टिंग और यूनिक रेसिपी देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ।